नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लाए हैं। यानी अगर आप इस वीडियो को रात तक देख ले तो आपको 2000 रुपये का फायदा होने वाला है। यानी कि आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपके खाते में वो जो 2000 रुपये आने वाला है तो आएगा या नहीं आएगा। अपने साथ साथ अपने पंचायत का, अपने मोहल्ले का, यानी पूरे गाँव का भी चेक कर सकते हैं और खुद का अपना भी चेक कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। 2 से 4 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे ताकि उस लिस्ट में नाम चेक कर पाएंगे और उस अगर लिस्ट में अगर नाम है तो आपको 2000 रुपये आने वाला है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा जो कि www.biharhelp.in का वेबसाइट है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए हैं, जिसे उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस वाले वेबसाइट पे चले आएंगे। यहाँ पे आएंगे तो आपको स्क्रॉल ऑन कर देना है, बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। लेटर जॉब रिजल्ट, एडमिट कार्ड, एडमिशन से इस पे आपको ध्यान नहीं देना। नीचे की ओर जाएंगे तो सरकारी योजना से रिलेटेड एक कॉलम बनाया गया है, यहाँ देख सकते बताएगा सरकारी योजना। नीचे की ओर बताया गवर्नमेंट स्कीम यानी मोदी सरकार ने दी, उसका भी जुलाई में लोगों के बैंक खाते में आएंगे 2000 रुपया, बड़ी योजना को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। हालांकि हमने जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, डायरेक्ट इसी वाले पोस्ट का लिंक दे रखा है ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। अब जैसे यहाँ पे आएंगे तो सारा जानकारी इसमें बताया गया, अच्छी तरह समझाया गया इस योजना के बारे में। यहाँ से नीचे की ओर आपको चले आना, ठीक है। जैसे नीचे की ओर आएंगे क्विक लिंक का ऑप्शन मिला है, जैसे क्विक लिंक का ऑप्शन देख लिया जाए तो आपको यहाँ से डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। चलिए हम आपको बारी बारी से बतला देते हैं यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कैसे चेक करना है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस वाले वेबसाइट पर चले आए, यानी कि देख सकते पीएम किसान सम्मान निधि के वेबसाइट पर चले आएंगे। अब उसके बाद आने के बाद यहाँ से नीचे की ओर आपको क्या करना है, देख सकते बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, बेनिफिक्चरी लिस्ट का जो ऑप्शन देख लिया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर कॉर्नर में बेनिफिक्चरी लिस्ट का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना आएगा, भारत के किसी भी राज्य से हैं तो वहाँ सभी लोग यहाँ चेक कर पाएंगे। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद किस जिले के हिस्से हैं, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, अपने जिला इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका यानी कि ब्लॉक पड़ता है या सब डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसी को बोलते हैं, और आपको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उस ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको गांव सेलेक्ट कर लेना है। उस ब्लॉक के अंदर जितने भी गांव होंगे सभी लगभग गांव का नाम आ जाएगा, तो आपको अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गेट रिपोर्ट का ऑप्शन दिखला दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आएंगे देख सकते सीरियल नंबर भी दिखाई देगा, फॉर्मर नेम और जेंडर दिखाई देगा। अगर आपका इस लिस्ट में नाम आता है तो आपका 2000 रुपया आएगा, ठीक है। तो हम आपको बता दें जो भी 2000 रुपया आने की बात कही गई है यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है, ठीक है। जो भी 14वां किस्त आने वाला है 27 तारीख को सुबह 10:30 बजे से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो एक प्रॉपर वीडियो हम बना देंगे कैसे आपको चेक करने की पैसा मतलब आया है या नहीं आया, वो स्टेटस चेक करने का भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। यानी 27 तारीख भी अपडेट आपको दे देते हैं, तो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिएगा, अगर है तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट भी कर करके आपको चेक कर लेना है कि हाँ आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है, इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। आपके